आयुष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सख्त आवश्यकता है। इसी को देखते हुए सामाजिक संस्था नई सुबह ने उत्तर प्रदेश के समस्त कॉलेज एवं अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नई सुबह संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी द्वारा आज वितरित किया जा रहा है, जिसमें 8 राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राचार्य उनके प्रतिनिधि, 9 राजकीय होम्योपैथी कॉलेज के प्राचार्य, 2 यूनानी कॉलेज के प्राचार्य तथा 1650 शैयाकृत आयुष चिकित्सालयों के अधीक्षक भाग लिए। सभी को मिलाकर कुल 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण किया गया। हमारे साथ 200 लोग जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जाएंगे, और ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और फ्यूचर में भी मैंने प्लान किया है कि जो आयुष अस्पताल हैं उनमें जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ECG नहीं, अभी माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे थे, तो ऐसी भी मशीनें अगर कोई हमें डोनेट करता है, मैंने बहुत जगह मांगा हुआ है, तो मैं आयुष में प्रथम दृष्टि उनको पहुँचाऊँगा, ये मेरा प्रथम कर्तव्य। 200 की संख्या में इसका वितरण किया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उसके साथ ये अमेरिकन कंसंट्रेटर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, उसके साथ एक स्टेबलाइजर है। तो कुल मिला के ये इन अस्पतालों में इमरजेंसी में कोई मरीज आता है जिसको तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो सिलेंडर खोलना लगाना एक करके एक थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो इससे निश्चित ही चेस्ट के मरीजों को, श्वास के मरीजों को जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये पहली बार आयुष आयुर्वेद के अस्पतालों को इस तरह की सुविधा मिली है, तो नई सुबह संस्था के द्वारा।